सात पाउंड का वजन और 20 इंच का कद लिए नन्हे जॉन ने जीवन की शुरुआत की। कभी कभी पालने से लेकर कब्र तक का यह सफर बहुत ही लंबा होता है। शुरुआत में नन्हे जॉन का डगमगाना तो वाजिब था, पर वो धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। एक साल में जॉन अपने मन का मालिक बन गया। नहीं, रुक जाओ जॉनी। बस अब 69 साल बच गए हैं। पंद्रह साल की उम्र में जॉन विशाल राजमार्ग पर चलने लगा है, साथ ही और भी कई लोग उसी मार्ग पर चल रहे हैं। 20 की उम्र का होने पर जॉन के पास सारे जवाब मौजूद हैं। जरा उससे पूछकर तो देखिए, उसके पास 50 साल बच गए हैं। अपने 40 की उम्र में जॉन विवाहित है और उसके दो बच्चे भी हैं। इस राजमार्ग पर जीवन एक जिम्मेवारी भरी होड़ बनकर रह गई है। 50 साल पूरे होने के बाद जॉन के पास सारे सवालों के जवाब नहीं है, अब बस 20 साल बचे हैं। हम जा कहां रहे हैं? क्या तुम नहीं जानते? संभल जाओ जॉन, हमें सुसंदेश की जरूरत है। मैडम, आप गलत मार्ग पर जा रही हैं। ये विनाश की तरफ जाने वाला मार्ग है, पर मेरे पास आपके लिए सुसमाचार है। स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग बस एक ही है, और वो सकरा मार्ग है, और वो मार्ग है प्रभु यीशु। अपने महान स्नेह के साय में यीशु परमेश्वर पुत्र ने स्वर्ग को छोड़ा। उन्होंने मानव रूप लिया ताकि आपके पापों के खातिर अपना कीमती लहू बहा सके। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो यीशु मसीह है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नरक में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए स्वर्ग में। यीशु सलीब पर मारे गए और 3 दिन बाद वो मरों में से जी उठे। अब वो स्वर्ग में है और वो फिर से आने वाले हैं। क्या इस राजमार्ग पर चलने वाले सभी का नाश हो जाएगा? बेशक, परंतु परमेश्वर का तोहफा है स्वर्ग में अनंत जीवन, जो यीशु मसीह के द्वारा है। क्या आप ये प्रेम के उपहार को पाना चाहेंगे? हाँ। तो स्वर्ग की ओर जाने वाले इस मार्ग पर चलिए। चले आइए जॉन। क्या आप नहीं आ रहे हैं डैडी? ये तो काफी सकरा मार्ग है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इसके बारे में सोचूंगा। बेचारा जॉन, लगता है तुम्हारी पत्नी ने ये निर्णय लेने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ओह मम्मी, मैं वहाँ ऊपर यीशु को देख पा रही हूँ। हमने सही रास्ता चुना है बच्चों। तुम्हारी पत्नी ने सही निर्णय लिया जॉन, तुम्हें भी अपने जीवन में मसीहा को अपनाना चाहिए। पर जल्दी क्या है, तुम्हारे पास अभी काफी वक्त है। तुम तो बस 62 साल के ही हो, तुम्हारे पास तो अभी 8 साल बाकी है। तुम ठीक कहते हो। 6 महीने बाद ये हो क्या रहा है? तुम अभी अभी मरे हो जॉन। पर तुमने तो कहा था मैं 70 साल तक जीवित रहूंगा। मैंने झूठ कहा था, मैंने तुम्हें फंसा लिया। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिए गए हो। पूरी दुनिया उस विशाल राजमार्ग पर चल रही है, पर अभी भी वक्त है ताकि आप लोग स्वर्ग के ओर जाने वाले उस सकरे मार्ग पर आ जाएं। जॉन के किए उस गलती को आप बिल्कुल ना करें। आज ही यीशु को ग्रहण करें। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम मेरे लोग बन जाओगे।